Perfect situation for him to bowl. एक बार फिर लूप के साथ बॉल किया. बिलाल आसिफ को देख के खेलना होगा क्योंकि अब तक दोनों स्पिनर्स को ब्रेक मिला है इस पिच से. इस बार थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी थी. एक मरतबा फिर बड़ी हिट मारने की कोशिश. फील्डर गेंद के नीचे कैच लेने में कामयाब. ड्रिफ्टिंग डाउन लेग और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. के लिए कुछ ज्यादा बुरा दिन रहा आज. बहुत ही अफसोसनाक रही अब तक इस इफ्तिदाई मैच में. ये बिल्कुल आपने बात ठीक कही के वरना साबित नहीं कर सकते. बिल्कुल असीम बाप दा, जहां पिच पर इतना टर्न मिल रहा है उसी की बहुत जितनी हिटें लग रही है खत्म हो गई. ये तीसरे नंबर के बैट्समैन को दिखाने की जरूरत थी. इस बॉल को जाने दिया कीपर की जानिब. एक और अच्छी गेंद इस डॉट बॉल के साथ. सात ओवर मुकम्मल. ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टीम लाइक मोमिन सीड्स जो कि नेशनल बैंक की टीम के साथ खेल रही है. कामरान अकमल इस टीम में मौजूद है, शॉन मसूद इस टीम में मौजूद. कह रहा था और ये तो इनका तो एक्सपोजर है. ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं दे एक्चुअली सीइंग देम प्लेइंग लाइव राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. मेरे ख्याल में रहती है मगर फिर भी मैं ये कहूंगा जब इस लेवल पे अगर आप खेलते हैं तो इस किस्म का मैं सेट बैक नहीं देख सकता. थैंक यू दान. आप भी अपनी फैमिली के साथ मैच एंजॉय करें और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप भी आए जी. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज. कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं. मौजूद है यहाँ डीएचए मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में. और ये मैच में बात करें तो सिर्फ एक ही टीम में स्टार दिखाई दे रहे हैं और वो लग रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. चेक हुए थे सईद अजमल के बाद से, उसके बाद से इनका बॉलिंग एक्शन भी कहीं ना कहीं रडार में रहा था. इस बॉल को गाइड किया था लेकिन नहीं मिलेगी. मेरे मंजर सैरी का मेन्यू तो नहीं मालूम कर रहे. जलालुद्दीन एक और शानदार लेफ्ट. जबरदस्त बैटिंग इसके साथ. एक दर्जन ओवर मुकम्मल हो गए मोमिन सीड्स के और दो दर्जन से थोड़े से ज्यादा रन. सिर्फ 26 रन स्कोर किए, 8 विकेटों के नुकसान.